नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुजराती स्टडी वीडियो यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर समर यूथ ओलंपिक्स 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, समर यूथ ओलंपिक्स 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना के ब्यूनर्स आयर्स शहर में हुआ था, और ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। दो, समर यूथ ओलंपिक्स 2018 का आयोजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ था। तीन, यूथ ओलंपिक्स 2018 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने किया था। चार, युवा ओलंपिक्स 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों, कुल 206 देशों ने भाग लिया था। पांच, युवा ओलंपिक्स 2018 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो इसका उत्तर है 46 अलग अलग 13 खेलों में भाग लिया है। छह, युवा ओलंपिक्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका उत्तर है मनु भाकर। सात, युवा ओलंपिक्स 2018 के समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो उत्तर है जेरेमी लारिनुंगा। आठ, मनु भाकर किस राज्य के खिलाड़ी है? तो उत्तर है हरियाणा की खिलाड़ी है। नौ, युवा ओलंपिक्स 2018 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर है रूस, जिन्होंने 59 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 29 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 12 कांस्य पदक का समावेश होता है। 10, युवा ओलंपिक्स 2018 में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहे हैं? तो इसका उत्तर है चीन, जिन्होंने 36 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक का समावेश होता है। 11, युवा ओलंपिक्स 2018 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर है? तो इसका उत्तर है जापान, जिन्होंने कुल 39 पदक जीते हैं, जिनमें 15 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 12 कांस्य पदक का समावेश होता है। 12, युवा ओलंपिक्स 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत 17वें स्थान पर रहा है, जिन्होंने कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 1 कांस्य पदक का समावेश होता है। 13, वेट लिफ्टिंग 62 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है जेरेमी लारिनुंगा। 14, जेरेमी लारिनुंगा किस राज्य की खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर है मिजोरम की खिलाड़ी है। 15, युवा ओलंपिक्स 2018 में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका उत्तर है जेरेमी लारिनुंगा। 16, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है मनु भाकर, जो हरियाणा की खिलाड़ी है। 17, पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है सौरभ चौधरी। 18, सौरभ चौधरी किस राज्य के खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 19, बैडमिंटन में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है लक्ष्य सेन। 20, लक्ष्य सेन किस राज्य का खिलाड़ी है? तो उत्तर है उत्तराखंड का खिलाड़ी है। 21, जूडो में 44 किलोग्राम वर्ग और मिश्रित टीम में 2 रजत पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है तबाबी देवी। 22, युवा ओलंपिक्स में जूडो में पहला पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है तबाबी देवी। 23, यूथ ओलंपिक्स 2018 में पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है रजत पदक जीता है। 24, यूथ ओलंपिक्स 2018 में महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों,
महिलाओं की टीम ने भी रजत पदक जीता है। 25 कितने भागों में युवा ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों दो भागों में, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, यानी कि समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। 26 युवा ओलंपिक्स का आयोजन कितने साल में एक बार होता है? तो दोस्तों 4 साल में एक बार होता है। 27 युवा ओलंपिक्स 2018 के मोटो क्या था? तो इसका उत्तर है फील द फ्यूचर। 28 युवा ओलंपिक्स 2018 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर है पांडे। 29 अगले ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक्स कब आयोजित किए जाएंगे? तो इसका उत्तर है 2022 में सेनेगल देश के डाकार में किया जाएगा। 30 अब शीतकालीन युवा ओलंपिक्स कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में लोजन में 2020 में आयोजन किया जाएगा। 31 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक्स किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है 2010 में। 32 शीतकालीन युवा ओलंपिक्स किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है 2012 में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर समर यूथ ओलंपिक्स 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।